हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सबके संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। देवता लोग परम पिता ब्रह्मा देव के उपहास उड़ौलन। उ लोग के एह अपराध के दंड देवे खातिर ब्रह्मा जी उ लोग के श्राप दे देलन, जैसे वो 6 देवता लोग के असुर योनि में जन्म लेवे के पड़ल। तोहरे कुल में हिरण कश्यप के यहां 6 देवता लोग के जन्म भइल। श्राप से मुक्ति ना मिले के कारण 6 देवता लोग जन्म जन्मांतर के चक्र से मुक्त ना भइलन, अलग अलग योनि में जन्म लेत रहलन। हे महाबली, अंत में 6 देवता लोग योग माया के शरण में गइलन और योग माया द्रवित होके उ लोग के हमार माई श्री देवकी के गर्भ में छोड़ देली। देवकी माई 6 देवता के जन्म देली और उलोक के जन्म लेते ही हमार मामा कंस उलोक के मार देलन। हे महात्मा बलि, हम अपन उहे 6 भाई लोग के वापस पृथ्वी लोक पर ले जाए खातिर आपके पास पाताल लोक में आयल है। हे राजा बलि, हमार माई अपन 6 बेटन के आज तक ना भुलैली हा, जिनका जन्म लेते ही मृत्यु उनका के ममता के गोदी से वंचित कर देलस। हमार माई आपन बेटन के बिछुड़ गईला से बहुत दुखी और व्याकुल रहेली, और हम आपन माई के कैसे दुखी होत देख सकत हैं। यही से हम आपन माई के ममता से विवश होके आपके पास आयल हैं। आप हमार 6 भाई लोग के हमके लौटा दी। हे बलिराज, हे राजन, स्वयं यमराज हमके बतौले बाड़न कि हमार सभे 6 भाई बालक के रूप में आपके पास पाड़न। कृपया करके तू उन लोग के हमके वापस लौटा दे, हम उन लोग के लेवे आयल हैं। आपके आज्ञा शिरोधार्य है प्रभु। आई प्रभु, आई प्रभु।
प्रभु। प्रभु ई रहन आपके छहो भाई। प्रणाम प्रभु। हमके पाताल लोक के बंधन से मुक्त करी प्रभु। हमके मुक्ति प्रदान करी प्रभु। तथास्तु। अब हम इनकरा संगे पृथ्वी लोक जाय चाहत हैं। हमके अनुमति द बलिराज। प्रभु आप पृथ्वी लोक जाई आपने तुच्छ भक्त पर हमेशा ही कृपा बनौले रखब। आपन श्री चरण में स्थान दी प्रभु। हे महाबली चरण में ना तू हमेशा ही हमार हृदय में वास करबा। प्रभु आपके आज्ञा के पालन के लिए माई हमार एक गुरु दक्षिणा के स्वीकार करी। हे मधुसूदन आज आप हमार हृदय के आग के शांत कर देले हैं। हमार लेकन के कोमल स्पर्श से जीवन के अधूरापन नष्ट हो गई ला। आपके ऋण हम लोग कब ना चुका सकते हैं। ये आप का कह रहे हैं पिताजी। माता पिता ना संतान अपन माता पिता के ऋणी हो खेलन। सामान्य मनुष्य खातिर हम लोग तोहार माता पिता हैं। बाकी हम लोग तोहार सत्य स्वरूप के जाने ले भगवान। आप परम ब्रह्म परमात्मा हैं। आप ही पुराण पुरुष हैं। आप ही विष्णु हैं। आप ही सृष्टि के पालक हैं। आप सगरे प्राणी लोक के पिता हैं और माता भी आप ही हैं। ऐसे हम आपके माता पिता ना आप ही हमार माता पिता हैं। हे चक्रधारी हमार ममता के आनंद तुहार कंस मामा नष्ट कर दिले रहन। बाकी आज इछो गो बेटन के रूप में हमार प्यासी ममता के तू तृप्त कर दिले बाड़ा। ऐसन दिव्य चमत्कार उहे कर सकेला जेकर हाथ में जीवन मृत्यु दोनों होके। हे अखिल ब्रह्मांड के नायक आपके लीला अगाध है। प्रलय के समय आप सगरे विश्व के आपन शरीर में वैसे ही स्वाभाविक रूप से धारण कर ले जैसे माई आपन संतान के आपन गर्भ में धारण करेली। उहे परम पुरुष परमात्मा जब हमार गर्भवासी भैली
ये आपके अद्भुत लीला ना तो और का है। माताजी, पिताजी, ये सब ओ वरदान के परिणाम रहे। वरदान? हाँ पिताजी। बाकी हमके कब वरदान प्राप्त भइल रहे? हम बतावत हैं पिताजी, स्वयंभू मनवंतर में जब आप दोनों के पहला जन्म भइल रहे, तब पिताजी आप सुतपा नाम के प्रजापति रही, और माताजी आपके नाम वृष्णि रहे। आप दोनों प्रभु की घोर तपस्या कैले रही। आप अन्य के त्याग कैले रही। आप दोनों खाली हवा की भक्षण करके प्रभु की तपस्या कैले रही। प्रभु में चित लगा के घोर तप करत करत कई युग बीत गई। तब प्रभु प्रसन्न होके आप दोनों के दर्शन दिखले। हे सुतपा, हे वृष्णि, हम आप दोनों के घोर तपस्या से बहुत प्रसन्न हैं। हम आप दोनों के वरदान देहल चाहत हैं। आपके जे भी इच्छा होके हम ओकर पूर्ति अवश्य करब। प्रभु, हम लोग आपके ए दिव्य रूप से धन्य हो गेल हैं। यदि आप वर दिहल ही चाहत हैं, तो हम लोग के खाली एक ही इच्छा पूरा करी। बताएं। प्रभु, हमार कोनो संतान नहीं खे। हम माता पिता होके के आनंद उठावल चाहत हैं प्रभु। काश आप ही हम दोनों के बेटा बन जाती। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। हम आप दोनों के ही बेटा बन के जन्म लेब। प्रभु आवेश में तीन बार तथास्तु कहले रही। ऐसे वहां तीन जन्म तक आप दोनों के बेटा बन के जन्म लेत रहले। तीन जन्म तक? हम तीन जन्म तक आपन कृष्ण कन्हैया के माई बनल हैं। हाँ माई, आपके याद ना रहल होई। आपके पहला जन्म में ही हम आप दोनों के बेटा बन के जन्म ले रही और कृष्ण गर्भ के नाम से विख्यात भइल रही। फिर दूसर जन्म में माई जी देव माता अदिति बन गईली और पिताजी बनली महर्षि कश्यप। ओह जन्म में भी हम आपके बेटा के रूप में ही जन्म ले रही। ऐसे तो हमार नाम उपेंद्र रहे, बाकी कद शरीर छोटा होके के कारण लोग हमके वामन भी कहत रहन। और अब आप दोनों के तीसरा जन्म में भी हम परंपरागत रूप से आपके ही बेटा हैं। हे देवता लोगन के भी आराध्य देव प्रभु, ए संसार के रक्षा खातिर ही आप हमरा घरे अवतार ले ले ही। आप हम दोनों के बेटा बनके हम दोनों के अनुग्रहित कैले हैं, हमार सम्मान कैले हैं। ए इच्छा पूर्ति के बाद अब हमार मन में कौनो विशेष इच्छा ना रह गई है प्रभु। आपनी छो बेटन के प्रति भी आपके कौनो इच्छा ना रहल माई? ना केशव, अब कौनो इच्छा ना रहल। अब हमार मन में बार बार विचार आ रहल है कि कहीं इस छो लैकन के वापस लावे के मांग करके हम भूलते ना कहली।
हम इनकर मुक्ति के मार्ग में बाधा तठार न कर रहल हैं। वासुदेव, अब अपना आपे एह बात के ज्ञान हो रहल है कि जीवन मृत्यु के चक्र में कब्बो केहू के हस्तक्षेप ना करे के चाही। साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा के माई भी विधि के विधान के बदले के कोशिश करे के भूल गईले है। हमके ई हट ना करे के चाहत रहे। मधुसूदन, संसार के कौनो भी माई आपन संतान के मुक्ति के मार्ग में आपन ममता के पर्वत ठाड़ कैल ना चाही। फिर हम आपन छो बेटन के मुक्ति के रास्ता के रोड़ा कैसे बन सकत है। वासुदेव, वासुदेव हमके आश्वासन द कि हमार छो बेटन के तू मुक्ति देब। हमके वचन द वासुदेव, हमके वचन द। माई, हमारी छो भाई मुक्ति के ही प्रतीक्षा कर रहल बाड़न और हम ये लोग के जरूर मुक्ति देव। जब आप इनका के ममता के बंधन से मुक्त कर देव, तब इस शापित देवता भी मनुष्य के योनि से मुक्त हो जाई हैं। हम इस सभे के आपन ममता के बंधन से मुक्त कर दिले हैं। माई, ई आप बहुत अच्छा कहली। ममता के बंधन के संगे अब इनकर पैर में पड़ल ब्रह्मा जी के श्राप के बेड़ी भी टूट जाई। हे प्रभु, हे माई, हे भगवान श्रेष्ठ, हम सभी के आपके प्रणाम। कल्याणमस्तु। प्रणाम देव की माता, प्रणाम पिताजी। हे देव की माता, हम अपन ब्रह्म देवता के जे उपहास कैले रही, जेकरा कारणवश मिलल श्राप से आप हमके आज मुक्त करके अनुग्रहित कैले हैं। आपके कोटि कोटि प्रणाम प्रभु। प्रभु, अब हमके आज्ञा दीही। महारानी सुमति, आप लागत आप भी हमरा तरह द्वारिका पर विजय पताका लहरावे खातिर उत्सुक हो रहल हैं। आपके इच्छा जरूर पूरा होई, हमार द्वारिका पर विजय पताका जरूर लहराई। मत करी द्वारिका पर आक्रमण, ये भयंकर भूल आप मत करी स्वामी। महारानी, आप हमार इच्छा के विरुद्ध बोल रहल हैं। क्षमा करी असुरेश्वर, आपके इच्छा पर तो हम अपन प्राण तक न्योछावर कर सकत हैं। बाकी बाकी का बाकी हम आपके अपन प्राण संकट में डालत ना देख सकत हैं स्वामी।
महारानी। कृष्णा।